if you ask me, sir, what are the thumb rules to clear this exam? Number one is good reading. Read good content, good books. Okay. Also newspapers. Nothing can supplement newspaper. ठीक है, लोग जो कहते हैं ना कि हमारी मैगजीन पढ़ लीजिए सब आ जाएगा, दे आर फूलिंग यू. वी नीड वेल फॉर्म्ड माइंड एंड नॉट वेल इन्फॉर्म्ड माइंड. व्हाट मैगजीन विल डू इज दे विल फिल योर माइंड ब्रेन विद द इंफॉर्मेशन दैट विल नॉट हेल्प यू इन क्लियरिंग एग्जाम. ठीक है, आपको अपने माइंड को डेवलप करना है. माइंड डेवलप होता है इस चीज से, न्यूज पेपर से. ठीक है, तो गुड रीडिंग इज एसेंशियल. नंबर टू, नोट मेकिंग. And that too, issue-based note-making. जो अलग अलग इश्यूज हैं एग्जामिनेशन को लेके, जैसे पॉलिटी के अंदर आप देखें तो जुडिशरी कुड बी एन इश्यू, सेंटर स्टेट रिलेशंस कुड बी एन इश्यू, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स कुड बी एन इश्यू, स्केड्यूल एरियाज कुड बी एन इश्यू. तो दैट इश्यू इकोनॉमिक्स में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इश्यू, फिस्कल पॉलिसी इज एन इश्यू, आरबीआई इज एन इश्यू. ठीक है, फिर गवर्नमेंट बजट इज एन इश्यू, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इश्यू, पॉवर्टी इज एन इश्यू. सो दीज आर इश्यूज. इन इश्यूज के ऊपर नोट्स बनाइए, और नोट्स इतने कॉम्प्रेहेंसिव होने चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ भी आए वहां से तो यू कैन, यू आर एबल टू आंसर इट. ठीक है ना, तो नोट मेकिंग एंड दैट टू इश्यू बेस्ड नोट मेकिंग. एंड द लास्ट वन थंब रूल इज प्रैक्टिस. And this is the most important area which most of the candidates or students lack on. आप लोग क्या करते हैं ना, आप पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं. पढ़ना जो है वो अपने माइंड, अपने आप में एक डोपामिन रिलीज करता है माइंड में कि भी हाँ मैंने ये वाली बुक खत्म कर दी, लक्ष्मीकांत दो बार खत्म कर ली, सागर सर के नोट्स इतने बार खत्म कर लिए, ये मैंने कर लिया, वो कर लिया, खत्म कर लिया, बस बुक्स खत्म कर ली. बट बुक्स खत्म करने से एग्जाम क्लियर नहीं होती है. एग्जाम में यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, और वो जो आर्ट है ऑफ आंसरिंग दैट डेवलप्स ओनली विद द प्रैक्टिस. पढ़ने से वो डेवलप नहीं होगी. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज्यादा करिए. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर आर द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जाम. सी, एक कैंडिडेट है जो बहुत एवरेज है पढ़ने में, उसको याद कुछ नहीं रहता है, पढ़ता कम है लेकिन प्रैक्टिस बहुत करता है, रोज लिखता है, रोज एमसीक्यू सॉल्व करता है. और एक आईआईटीएन है जो काफी अच्छा पढ़ता है लेकिन प्रैक्टिस कम करता है. आई वुड से द फर्स्ट कैंडिडेट वुड गेट सिलेक्टेड, सेकंड के चांसेस कम है. ठीक है ना, सो प्रैक्टिस इज द की. और प्रैक्टिस में भी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि प्रीलिम्स के अंदर जैसे मैंने बताया 10,000 प्लस एमसीक्यूज करना है आपको, और मेंस के अंदर, मेंस के अंदर आपको 1000 प्लस आंसर्स लिखने हैं. इफ यू डू दैट तो आपको प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता.